सो हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी? आप सभी को जानने की तरफ से प्यारी सी नन्ही सी गुड मॉर्निंग। अब आप बोलोगे जानने की तरफ से बोलो ये क्या, तो मैं बताना चाहूँगा कि अपनी गाड़ी का नाम भी जानी पड़ गया, इसलिए मैंने अभी तक ये बात रिवील नहीं की, लेकिन अपना निक नाम है जानी। तो मतलब मुझे कमेंट करके बताना है कि आप कैसा सुनना चाहते हो, कि मतलब गौरव की तरफ से एक प्यारी सी गुड मॉर्निंग या फिर जानी की तरफ से प्यारी सी गुड मॉर्निंग। तो कमेंट करके पक्का बताना, पीछे भाई से कमेंट करके मुझे बताना आप दोनों में से कैसा सुनना चाहोगे, कि गौरव की तरफ से प्यारी सी गुड मॉर्निंग या जानी की तरफ से। मुझे बोलने में बेस्ट लग रहा है जानी की तरफ से, तो मुझे कमेंट करके बताओ। जिसमें ज़्यादा वोटिंग आएगी ना, हम वही बात चीज करेंगे। एंड अभी हमें यहाँ पे फ्लाई ओवर के नीचे कहाँ गया, हाँ अभी हम कहाँ जा रहे हैं, सब्जी लेने। अभी हमने लाई थी चाय पी ली है, बाकी गाड़ी में सभी बैठे हुए हैं। मैं और जुनेद भाई आ रहे हैं यहाँ से सब्जी लेने, और टाइम हो चुका है अपना। चलो छोड़ो टाइम को, क्या करोगे, जा रहे हैं सब्जी लेने। सब्जी लाएंगे, दिन का खाना बनाएंगे, और कुछ आप सबके लिए बिगेस्ट सरप्राइज आनी चाहिए, तो थोड़ा बहुत आप बता ही दिएगा उसके बारे में, बाकी वो आगे बात करेंगे, पहले सब्जी के पास चलते हैं। भाई काफ़ी चलने के बाद कम से कम गाड़ी से 1.5 किलोमीटर दूर है सब्जी लेने। आपने देखा गाड़ी हमारी खड़ी है फ्लाई ओवर के नीचे, हम वहाँ से गुजर गुजर के ये फ्लाई ओवर डाउन हो रहा है, यहाँ से गुजर के पूरा यहाँ पे सब्जी लेने। हमारे भाई कर रहे सब्जी पसंद, सब्जी लेके चलते हैं, और टाइम भी काफ़ी हो चुका है, जाके बनाएंगे फिर खाएंगे, भूख भी लग रही है। बस टाइम कितना हो चुका है यार, अभी देख रहा था मैं, काफ़ी टाइम हो चुका है, 2:18 हो चुके हैं, यानी कि 2:30 बजने वाले निकलने वाले। और यहाँ पे भैया जी के कपड़े भी निकाल दिए, भैया जी को जाना है घर, है ना, बाय बाय, फिर यहाँ से इनको देंगे। आगे आगे KMR भाई हैं, उनके साथ चले जाएंगे भैया घर, फिर हम और जेश भाई और साहिल भाई हम जाएंगे गाड़ी खाली कराने। तो भैया घर इसलिए जा रहे हैं कि वो तो आगे आप वीडियो देखोगे पता चल जाएगा, वीडियो नहीं कर चलते कुछ, मतलब अपनी ज़िंदगी का कुछ बड़ा सरप्राइज है, कुछ बस है वो आपको स्टोरियाँ। एंड हाँ, जब भी आएगा स्टोरी डाल देंगे, या नेक्स्ट व्लॉग में आपको पूरा रिवील तो हो ही जाएगा। वो लग रहा है मुझे जब तक ये वीडियो मैं अपलोड करता आप देखते देखते तब तक हमारा सरप्राइज सारा रिवील हुआ होगा। बाकी हम यहाँ से चलते आए और भैया को घर जाके, मतलब जो भी है एक्साइटमेंट अभी मुझे काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि कुछ ऐसा होने वाला है, बस बने रहना। हम यहाँ से निकलते हैं आगे, चलते हैं यहाँ से फ्लाई ओवर के नीचे से। भैया अभी चला रहे हैं, यहाँ पे गर्मी भी है, सुबह ठंड लगती है बट अभी गर्मी है। अनिश भाई यहाँ से गाड़ी पर बैठ के उनको भेज दिया आगे, और यहाँ पर हम इसको ले आए, किसको गुगू और साहिब की गाड़ी, और अब मैं और जयेश भाई बचेंगे बुगू के साथ। अब हम चलेंगे आगे, और जयेश भाई से निवेदन है भाई डक वास्टिव लगाई जाए यार, आज इसको वास्टिव देंगे गुगू खाना खाएगा, अभी गुगू को भूख लगी है। अभी निकल चुके वहाँ से आगे, ये साहिब भाई की गाड़ी, करो चलो भैया जी अब चले गए, टाटा बाय बाय। और एक बार सभी ऑल दी बेस्ट लिख देना, ऑल दी बेस्ट अनिश भाई, जल्द से लिख देना, तो मतलब समझ रहे हो ना, बस लिख देना बस। और यहाँ पे अपना भूखू म्याऊ, और यहाँ पे जयेश भाई चला रहे हैं मस्त। अभी हम सरन से निकले, अभी गाने में चल रहे हैं, अपने बुग्गे को मस्त में सुना रहे गाने। अभी पहुँच चुके मैं सिटी में, और सिटी में काफ़ी डर रहता है यार, क्योंकि कोई वहाँ से आता है कोई वहाँ से टर्न करता ना, तो पूरा देख आगे पीछे देख के गाड़ी चलानी पड़ती है। रोज आ रहे सब आ गए आगे, हम देखते कब तक पहुँचेंगे वहाँ से, आज तो मुश्किल ही लग रहा है, बट ट्राई करेंगे थोड़ी देर खाली, बट आज चांसेस मुश्किल ही है। पहुँचे भाई अभी एक ढाबे में, दोनों गाड़ी की खड़ी, मैं कर रहा हूँ पे टायर चेक, यहाँ पे खाएंगे खाना फिर निकलेंगे आगे। अब गाड़ी करते हैं यहाँ से लाख वो पार होटल, दोनों मस्त लग रही है साइड को पार्क। अनिश भाई चले गए, अब हम इसमें यहाँ पे खाएंगे खाना फिर निकलते हैं आगे। खाना पीना हो गया, आपसे ये रेस्ट कर रहे थे, कौन से वाले को निलाओगे? उठ जा मेरा गुगु बुगु बुगु बुगु, चलो 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 नहाने का टाइम। हाँ वो नीचे कूद रहा है, बुर खाना खा के यहाँ से भाई निकल चुके हैं, 54-11-81 मिनट हमारी आयो आयो आयो
से चल रहे हैं और यहाँ से सीधा, और मौसम यार इतना बेस्ट मौसम है। मौसम कैसे धोबड़ में, गाड़ी पहले सड़क में हम गुजार दें, बस सड़क में गाड़ी डाल दें फिर हमसे बात करते हैं। चलो चलो इस सड़क क्लियर, दूर तक एक मोटरसाइकिल है, चलो 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 चलो, ऑल क्लियर ऑल क्लियर, बस क्लियर क्लियर यार, आगे से क्लियर नहीं हो रहा। चलो 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 निकल गई। हाँ तो हम कह रहे थे ये तो सो गया, इसको देखना कैसे बनी गए थे, देखना देखना भी चेक मारेगा, वही चेक खेल रहे कुछ कुछ गुदी 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 गुडी गुडी बगू है बगू भाई। टाइम हो चुका है 4:44 और मुझे लग रहा है जैकेट पहननी पड़ेगी और कमीज पहननी पड़ेगी। थोड़ा मौसम में फर्क आप देख सकते हो, थोड़ा सा ठंडा हो चुका है। मेरा फोन, ऐसी बातें थोड़ा आराम से क्यों, बड़ा दिल में लगती है, बड़ा फोन बेहद कीमती है। अच्छा इसका भी खेलने का मूड है, देखना चिकड़ चिकड़ चुके देखो ये देखो आए आए चक चक। अच्छा अच्छा अभी हम लगाएंगे सॉन्ग फिर चलेंगे आगे। अभी बढ़ चुका है शाम का वक्त और टाइम हो चुका है तकरीबन 5:30 का और जेश भाई अभी चल रहे हैं, साहिल भाई चल रहे हैं क्योंकि अपनी जिंदगी चलने चलने वाली है। और एक मस्जिद खत्म हुआ, देखो सन सूर्यास्त सूर्यास्त हो रहा है, कितना प्यारा लग रहा है यार। एक शाम का वक्त एक सुबह का वक्त होता है जब हम सूरज को प्रॉपरली आंखों से देख सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं तो ऐसे आंखों में लगता है हम देख नहीं सकते, आपको पता ही है। बाकी यहाँ पे ना और एक बात है, यहाँ पे मतलब हमारे वहाँ पे ना फसल ऐसे मक्की और कणक लगती है, ठीक मक्की का सीजन कणक का सीजन, इसके अलावा एक्स्ट्रा कोई कोई कुछ कुछ लगाता है बाकी मैक्सिमम नहीं। यहाँ पे कणक हो गया, मक्की तो होती नहीं है ना, मतलब बहुत कम, और कणक भी बहुत कम ज़्यादा यहाँ पे ताई मतलब, और लोगों के जो खेत होते हैं ना यहाँ पे आसपास ज़मीनों के, वहाँ पे सिर्फ जिसके खेत होंगे आलू लगे होंगे, पूरे खेत में जितने खेत हैं ना उसके सभी में आलू ही आलू, कहीं मर्ची मर्ची कहीं गोभी गोभी, मतलब पूरे के पूरे सब्जी। और वाह बातें करते करते बेहतरीन ब्रिज में पहुँच गया हम यार, पहुँचा तो यहाँ पे गाने सुनते सुनते और अपने दोनों चुंगले मुगलू सोए हुए, ये सोए रहते हैं यार मैक्सिमम टाइम ना, इनकी ये खासियत है सोए रहते हैं। और यहाँ से आपको प्रॉपरली दिखेगा पानी एंड सूरज, हो चुका सूरज इतना प्यारा लग रहा है छोटा सा, मेरी तरह उसको पकड़ के लिया हूँ। और यार पानी यार ट्रक पार करे कितना प्यारा लग रहा है, और अपनी गाड़ी आपकी बहुत जरूरी है, दिल कर रहा है ट्रक को नीचे पार्क करे जाए, वैसे वो पार आपको कार दिख रही है वहाँ पे किसी लाई है, वहाँ पे पता नहीं क्या कर रही लेकिन लाई है गाड़ी के पास, और बस एक्साइटेड हो यार फिर भी भाई घर के ना मतलब। चलो छोटा अभी कुछ बताएंगे इस बारे में आगे बात करेंगे, अभी चल रहे ब्रिज से और यहाँ पे आपको हवा भी मतलब साउंड अपना हवा का भी काफ़ी आ रही होगी क्योंकि ना काफ़ी हवा चल रही है अभी, मौसम ना एकदम ठंडा ठंडा बहुत बहुत ज़्यादा ही ठंडा ठंडा नहीं है लेकिन हाँ ठंडा ठंडा है, अभी हवा आ रही है, पानी नीचे मास्ता बाकी मतलब गहरा भी काफ़ी लग रहा है, सूरज धीरे धीरे बस बस या थोड़ी देर बाद अंधेरा पड़ जाएगा। राम पे वो देखो खेत में दे रही वो स्प्रे टाइप होता ना हमारे वहाँ बोलते हैल हैल दे रही, ये लगे गन्ने यहाँ पे कनकी मलकी मिलेगी नहीं, यहाँ पे आप गन्ने स्टार्ट हो गया खेत में गन्ने ही गन्ने, और यहाँ पे क्या लगा आगे देखो सर घास टाइप लगा पता नहीं क्या घास टाइप कुछ लगा हुआ, फिर वो पार गन्ने उसी गन्ने, यहाँ पे आलू की खेती आएगी पूरे आलू आलू लगे हुए खेती खेती नेचर आ गया पीछे, मस्त मौसम है। आप कहने को तो बहुत कुछ दिल कर रहा है बट क्या कहें यार, कोई समझने वाला भी होना चाहिए ना। काफ़ी अंधेरा पड़ चुका है, अभी भी मार्केट से हम चल रहे हैं, पीछे शमशान सड़क भी आई, गांव भी आया, विलेज भी आया, फ्लाई ओवर भी आया, फोर व्हीलर भी आई, सिंगल भी आई, सभी क्रॉस करके फाइनली आप पहुँच चुके वापस से मार्केट में, राइट राइट यहाँ से राइट। अभी अंधेरा भी पड़ चुका है, काफ़ी टाइम चुका है, अभी पता नहीं कितना दूर है, और नींद आ रही है क्योंकि आपको पता है जस्ट पिछली रात यानी कि बैक नाइट हम सोए नहीं थे यार, सुबह 6 गाड़ी पहुँची थी, तब थोड़ा 6 से 8 तक सोए 2 में, मतलब क्या क्या खाल लेंगे क्या किए नहीं क्या खाल लेंगे 2 में। अभी चल रहे और मेरा शीशा भी गंदा हो गया,
भूख नहीं लग रही है, तो छोड़ो आगे चलते हैं। लास्ट अपना दिन का वो लिया हुआ था खाना, आलू प्याज वगैरह मेरा, वो जाके हम सब्जी बनाएंगे। अपना सफर रह गया 10 किलोमीटर, ओनली 10 किलोमीटर, और अपने यहाँ पे भरा चल रहे हैं, और आगे साहिल भरा भी चल रहे हैं, और यहाँ पे अपने दोनों भरा सोए हुए, बस पानी भी रखा खाना दोनों सोए हुए। हम कंटिन्यू चल रहे हैं, बस 10 किलोमीटर सफर है, गाड़ी पहुँचाएंगे, फिर बनाएंगे खाना, फिर कहाँ पे की गेमिंग करेंगे, गेमिंग वीडियो करेंगे एडिट, फिर मस्त हो जाएंगे। भाई पहुँच चुके अभी फैक्ट्री के बाहर, अब जा रहे हैं फैक्ट्री का मेन गेट कर दिया क्रॉस, और बिल्टी निकाली थी गेट पे दिखाई बिल्टी, तो अब जा रहे हैं थोड़ा सा अंदर, अब अंदर पता नहीं कितना जाना है, और इन दोनों को होश ही नहीं है, ये दोनों कोमा में, गुगू इनको पहुँच के उठाएंगे आगे, अपना फ्रेश होंगे, बाथरूम वाथरूम करेंगे, क्योंकि बाथरूम करने वाला इनका ना टोकरी आगे वाली गाड़ी में है, तो दोनों को मुकार नहीं तो सोए हुए। अभी देखते कितना, अगर रात को ही खाली हो जाए तो अच्छी बात है, हमारा नेक्स्ट दिन टूटने से बच जाएगा, बट नहीं हुई तो फिर कल खाली होगी, बट आज हो जाए ना, और ठंड भी इधर है, तो मैंने अभी तक जैकेट नहीं पहनी, क्योंकि जैकेट रखी ऊपर ऊपर से निकालना पड़ेगा, तो मैं सोच रहा हूँ आज ही पुनः कर रहा हूँ, कौन निकालेगा, और निकालनी तो पड़ेगी। भाई पहुँच चुके अभी कांटे में, यहाँ पे हो रहा है कांटा, यहाँ पे हो रहा है कांटा, साइड पे चले गए आगे कांटा कराने, अब उसके बाद हमारी टर्न। यहाँ पे कांटे का और फैक्ट्री का सिस्टम अलग है, सिक्योरिटी को जाता है, और जेश भाई चल रहे हैं। आ चुके फैक्ट्री के अंदर, अब भूख लगी हुई थी, लिए कोल्ड ड्रिंक, लिए समोसे लिए, क्योंकि कंटीन थी, मैन बात हमारा गैस से उतार दिया गया सिलेंडर सिक्योरिटी पर्पज के रीज़न में, तो उतार दिया, हमारे पास खाने के लिए तो सामान तो है, लेकिन बनाने के लिए अब गैस नहीं है, अब कंटीन से लेना, कंटीन में रोटी दाल चावल रोटी तो है, बट रोटी हम लाएंगे लेट, अभी कुछ जस्ट मतलब स्टार्टर होता है, स्टार्टर टाइप कुछ खाना था, वहाँ पर ज़्यादा कुछ मिला नहीं, सिर्फ समोसे मिले और कोल्ड ड्रिंक थी, कोल्ड ड्रिंक अच्छी मिली नहीं, कोको कोला यही लाएँ, अभी फिलहाल इसी टाइम पर आएंगे, गाड़ी लगाएंगे अच्छी तरीके, यहाँ पर लगानी है, यहाँ पर देखो ये खड़ी है गाड़ी, वहाँ पर लगाएंगे, फिर देखते हैं अगला काम, फिर वापस इधर आएंगे इतनी दूर, और यहाँ पर इतनी गाइस इतनी स्मेल है ना यहाँ पर, मैं क्या बताऊँगा, क्यों नहीं तो आई सह सकते आप, मैं बोल रहा इतनी गंदी स्मेल है, सफाई बहुत है, हाँ नीचे आगे पीछे सफाई बहुत है, मतलब गंद कचरा टाइप नहीं है, लेकिन फैक्ट्री में आपको पता है स्मेल ही स्मेल होती है। गाड़ी की है वहाँ पे पार्क, अभी हम सभी जा रहे हैं खाना खाने, ये आ गई यहाँ की फैक्ट्रियाँ, यहाँ पोल्यूशन देखो यार, ऊपर आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन यहाँ पे देखो इतना पोल्यूशन है, अब बनाने वाले ने क्या चीज़ बनाई यार, मतलब पागल हो जाए तो देख के, इतना कुछ है यहाँ पे, बट हमें यहाँ पे आने वहाँ पे उधर कंटीन है, दोपहर कंटीन में खाएंगे खाना, फिर आएंगे वापस से गाड़ी पे, और कोल्ड ड्रिंक समोसे रख दिए, क्योंकि हमें लगा था टाइम लगेगा नंबर शंबर लगाना, लेकिन नंबर शंबर कोई नहीं था, वो कांटे में सारा सिस्टम हो गया, अब गाड़ी खाली होगी सुबह, तो खाना खा के फिर वहाँ पे जाएंगे, जब सोने वाले होंगे ना तब मस्त कोल्ड ड्रिंक और समोसे पार्टी कर लेंगे, अभी चल रहे हैं बस, और नीचे इतनी मिट्टी है ना, मतलब पाँव आधे आधे पाँव ना आधे से ज़्यादा मेरे जमीन में दस रहे, अगर यहाँ पर बारिश होगी ना पता नहीं क्या हाल होने वाली है। खाना पी कर खा के पहुँच चुके हैं अपनी गाड़ी में, और ये देखो खाना पी के खाना खा के मतलब पानी पी के हम आ चुके हैं गाड़ी में, अब ये हमारी डैशबोर्ड में बैठा है गुगू बुगू, एक वहाँ पे चला गया बुगू, अब करते इसको यहाँ पे सुलाते इनको, फिर खुद भी सोएंगे, तो काली गाड़ी खाली होगी बस, और यार थोड़ा मस्के वाली बात है, बट कर देना लाइक शेयर सब्सक्राइब जो दिल करे कर देना, बस कुछ ना कुछ करके ही जाना, खाली मत जाना, तो इसके साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।